तो ये है मेरी बुलबुल जो अपने आप को संवार रही है। पक्षियों को नहाने की ज़रूरत तभी नहीं पड़ती है क्योंकि वो अपने आप को वेल मेंटेन ऐसे ही रखते हैं। तो वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ आज अपनी खेती से। ये मेरे थोड़े से बैंगन के पौधे हैं जो काफ़ी बड़े हो गए हैं। यहाँ पे बारिशें तेज़ थी तो बारिशों में मैंने नहीं लगाए क्योंकि अगर बारिशें हो जाती इनको लगाने के बाद तो ये ख़त्म हो जाते। साथ में यहाँ पे आप टमाटर देख सकते हो, ये फूल हैं, ये पालक है, ये भी फूल हैं। ये एक ऐसा टब है जिसमें मैं सभी कुछ लगा देती हूँ और अच्छे से लग जाते हैं, और जब हो जाते हैं तो उनको बाहर लगा देते हैं फिर यहाँ से निकाल के। इसमें मिर्चियाँ भी हैं जो मैंने पहले लगा दी थी। ये चरेली होती है हमारे यहाँ की, फफरू। तो इनको निकालने से पहले मैं पहले गीला कर लूँगी इसको ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो आराम से निकल जाएं। पाँच मिनट तक वेट करूँगी मैं जब तक ये सारा गीला हो जाएगा, अच्छे से भीग जाएगी मिट्टी, फिर इसको मैं खुट्टी की हेल्प से जो है निकाल लूँगी। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। तो अभी धीरे धीरे मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा पौधे हैं ये। कभी भी अगर आप प्लांटिंग का काम कर रहे हैं तो शाम के वक्त ही करें क्योंकि शाम का जो समय होता है वो ठंडा होता है और पौधा आपका आराम से सरवाइव कर जाता है। तो मैंने हल्की हल्की इनकी जड़ों को हिला दिया है, आप देखते हैं, और ये आप देखिए कि आराम से ये निकल जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं। और अगर ये सारे के सारे टिक गए तो इस बार पूरी बरसात सर्दियां होने तक हमें घर में ही बैंगन मिल जाएंगे खाने के लिए। बाकी ये बचे ये फूल हैं। तो टोटल देख सकते हैं आप कितने सारे पौधे हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मेरे साथ और इनको अभी लगा लेते हैं हम बाहर जाकर। ये मेरा है अनार का पौधा जो आंगन में खुद ही लगा था, और ये छोटी सी क्यारी बनाई है हमने। यहाँ लगाएंगे हम बैंगन के पौधे। ये मिट्टी नई है और बिल्कुल सॉफ्ट है। दो दो पौधे लगाएंगे हम ताकि अगर एक जो है सर्वाइव ना कर पाए तो दूसरा जो है आराम से लग जाए। और लगाने वाला काम कर रहे हैं मेरी दीदी ननद करा। हाय। और थोड़े थोड़े गैप में लगाएंगे दो दो पौधे क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो पता नहीं टिकने का क्या चांसेस हैं इनके। बस इन्हें सुबह शाम पानी देना पड़ेगा अच्छे से। आप जब भी लगाएं तो गोबर ज़रूर डालें अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि मैंने पहले इसमें मिट्टी डाली है क्यारी में, फिर उसके बाद जो है गोबर डाला है काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद फिर से मिट्टी डाली है। गोबर जो होता है वो अच्छा खाद होता है और पौधे को बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अभी हम इन्हें लगा रहे हैं। जब ये लग जाएंगे तो इनमें पानी देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब इन्हें मिट्टी से अलग करते हैं तो ये कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ें सूख जाती हैं। और यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ जो हमारे लसयाड़े के बीज थे, अभी जो हमने सब्जी बनाई है उसके जो बीज निकले हैं दबा देंगे, देखते हैं निकलते हैं नहीं निकलते हैं। एक आध पौधा भी लग गया तो अच्छा रहेगा, बहुत टेस्टी सब्जी होती है ये। अब ये तो नहीं पता है कि लसयाड़े जो होते हैं वो प्लांटिंग होती है, कलम लगती है, ये बीज होते हैं, पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद हमारी कोशिश कामयाब हो जाए क्योंकि इस एरिया में लसयाड़े के पौधे नहीं होते हैं। ये रही मेरी भिंडियाँ, साथ में फूल हैं, आगे जो हैं वो मैंने मक्की छलियाँ लगाई हैं, साथ में कचालू अरबी है, और ये खीरे हैं, कद्दू है, और फूल भी हैं, सब कुछ लगा रखा है मैंने छोटे से खेत में। और साथ में वो दूर जो है वो सैलेड का पौधा है।
और ये हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर दी, बीज सीड कर दिए हैं। बाकी जो बचे हैं बैंगन के पौधे वो नीचे जाके लगाएंगे हम। बापू के इसका डोलू का ढक्कन गुआच चुका है। ये मेरे पपीते का पौधा है और बहुत ज़्यादा पपीते लगे हुए हैं। मनी प्लांट, बैंगन, और ये सारे पौधे हैं जो मैंने लगाए हैं। और ये है हमारी शेड। ये मिर्चियों के पौधे हैं और इसके ऊपर जो सफ़ेद दिख रहा है आपको, हम खाद नहीं देते हैं, बस हम गोबर की खाद देते हैं और साथ में जो चूल्हे की धूल होती है वो डालते हैं, क्योंकि चूल्हे की जो धूल होती है वो जो भी कीड़े होते हैं जो पौधों को ऊपर से खा जाते हैं मेन स्टेम, उनको ख़त्म कर देती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।